दिल्ली से ऐसी घटना सामने आई है जो समाज में भरोसा का कत्ल करती है, जिसे पढ़ते हुए आपकी रूह कांप जाएगी और आपका भरोसा धरती पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों से उठने लगेगा। दिल्ली के जाने माने मैक्स हॉस्पिटल में एक जिंदा बच्चे को मुर्दा घोषित कर दिया। दरअसल मैक्स हॉस्पिटल में एक 20 साल की महिला को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चे की मौत जन्म के साथ ही हो गई, लेकिन दूसरा बच्चा जिंदा था। इस जिंदा बच्चे का इलाज शुरू किया गया। इसके महज 1 घंटे बाद अस्पताल ने परिजनों को जानकारी दी कि दूसरा बच्चा अभी मर चुका है। बच्चों को मरा हुआ करार देकर अस्पताल ने दोनों की डेड बॉडी की पार्सल के पैकेज में पैक करके घर वालों के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन जब बच्चों की लाश को ले जाया जा रहा था, तभी पैकेट के अंदर से हलचल महसूस हुई। यह देख बच्चों के तुरंत दूसरे अस्पताल ले जाया गया। दूसरे अस्पताल में जाँच के बाद सब संकेत में पड़ गए, क्योंकि दोनों में से एक बच्चे ने जान बाकी थी। बच्चे के नाना प्रवीण ने कहा कि रास्ते में हलचल हुई, हमने पार्सल फाड़ा जिसमें कागज और कपड़े में बच्चा था और उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत पास के नजदीकी अग्रवाल अस्पताल में हम उसे ले गए। परिवार ने तुरंत पुलिस को भी सूचना दी। व्यवस्था से मार खाए परिजनों का दुख का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। इसी बीच दिल्ली की पुलिस ने भी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि मेडिकल की लीगल सेल को मामला बढ़ा दिया गया है। यही सेल मामले की जांच करेगी, जिसके बाद ही आगे का मामला दर्ज होगा। वहीं इस पूरे मामले में मैक्स हॉस्पिटल ने मीडिया के कैमरे का सामना करने से मना कर दिया है और फिलहाल 2 पॉइंट्स वाले एक मेल के जरिए उन्होंने अपना पक्ष रखा। अपना अस्पताल का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और जुड़वा बच्चों के परिजनों से अस्पताल लगातार संपर्क में है। अब सवाल यह है कि अगर जांच के बाद मामला सच साबित होता है, तो ये सोचने वाली बात होगी कि ये घटना कितने लोगों के साथ हुई होगी। अगर बच्चों के नाना ने ध्यान नहीं दिया होता तो वह जिंदा ही दफन हो जाता। माँ का दर्द नहीं समझी कभी, जो आज उसने मेरी बिटिया के साथ अत्याचार करा बुरी तरह से। आज मेरी बेटी 4 साल के बाद माँ बनी, उसकी पीड़ा जाके समझो, जाके देखो उसको, उनकी हालत से गुजर रही है, किस लड़ाई लड़ रही है मेरी बिटिया। उसके पास कोई नहीं गया, डॉक्टर नहीं गया, कोई नहीं गया। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेबी चाहिए दोनों। इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बावजूद भी हमारे साथ इतनी लापरवाही की है, तो इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो आइंदा किसी भी बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे।